दोस्तों यह है एक डिजिटल वेट मशीन जिसे मैंने अमेजन से 588 रुपये में परचेज किया है। ये बॉक्स जो है आज ही मेरे पास डिलीवर हुआ है। तो चलिए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें कैसा वेट मशीन मिलता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पास पहले से ही एक वेट मशीन था, लेकिन ये वेट मशीन अच्छी प्रकार से काम नहीं करता था। कभी हमारा वजन कम कभी ज़्यादा बताता था, जिसकी वजह से इसके जगह पे मैंने इस डिजिटल वेट मशीन को परचेज किया है। इस वेट मशीन में जो भी हमारा वेट होगा वो एक्यूरेट बताएगा। यही कारण है कि उस वेट मशीन को मैंने ऐसे ही रख दिया जो कि अभी खराब हो चुका है। उसको मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सही प्रकार से हमारा वेट नहीं बताता है। अभी मैंने डिजिटल वेट मशीन परचेज कर लिया है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा वेट मशीन निकलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक स्लिप है, यानी इसका मैनुअल गाइड है। एक तरफ देखिए चाइनीज में लिखा हुआ है और दूसरी साइड में इंग्लिश में है। यहाँ पर देखिए लिखा है हेल्थ मिनी स्केल मैनुअल। यहाँ पर देखिए इस डिजिटल वेट मशीन का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसका देखिए कैपेसिटी 150 kg से मैक्सिमम वेट 180 kg, मिनिमम इफेक्टिव वेट है 7 kg, यानी 7 kg से कम वेट रखते हैं इस पर तो वो नहीं बताएगा। आपको 7 kg से ऊपर ही वेट रखना पड़ेगा, तब जाके इस पे डिस्प्ले होगा। और देखिए वेटिंग मोड ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप इस वेट मशीन पे वेट रखेंगे ये ऑटोमेटिक 3 सेकेंड में ऑन हो जाएगा। और इस वेट मशीन से जब आप वेट हटा लेंगे तो ये 8 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसको यूज करने का तरीका, हाउ टू वेट। इसको जहाँ भी आप रखेंगे वो सरफेस जो है प्लेन होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊबड़ खाबड़ जमीन हो और आप वहीं पर रखते, जिससे कि ये टूट सकता है और काम भी अच्छी प्रकार से नहीं करेगा। यहाँ देखिए एडवाइस दिया गया है, एडवाइस फॉर यूज एंड केयर। इसमें देखिए लिखा हुआ है ये जो इसका बॉडी है ये ग्लास का बना हुआ है, इसलिए आप इसको संभाल के यूज कीजिए, नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है। इसका देखिए डिस्प्ले भी थोड़ा बड़ा साइज का तो दिया है, और यहाँ पे देखिए लिखा है मैक्सिमम वेट 180 kg। और यहाँ देखिए कार्टून बना हुआ है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब चलिए बैक में चलते हैं और देखते हैं इसका सेटिंग क्या है। यहाँ देखिए 4 लेग्स है यहाँ पे, और इसी में सेंसर दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखिए इसका स्विच है, यहाँ देखिए बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये 2 बैटरी इसमें लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं ऐसे, और उसके बाद हम ढक्कन को लगा देते हैं ऐसे। ये ढक्कन लग गया, अब हम इसको आगे करते हैं। देखिए जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया, और इसका वेट देखिए केजी में आ रहा है। अब चलिए हम इस पर वेट करके देखते हैं कि वेट सही प्रकार से बताता है कि नहीं। दोस्तों एक चीज का आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से चढ़ना है, ये बीच में रखना है, ये साइड में मत रखिए, नहीं तो ये टूट सकता है, तो इसलिए आपको इस प्रकार से बीच में रखना है। एक बार आपका वेट हो जाए उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। देखिए देखिए 87 kg 400 ग्राम भी ये लॉक हो गया है। एक बार हम उतर जाते हैं और फिर से वेट करके देखते हैं, देखिए थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से दोबारा चढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा वेट जो है दोबारा से एक्यूरेट बताता है कि नहीं बताता। देखिए दोस्तों ये डिस्प्ले ऑफ है, जैसे ही इस पर मैं वेट रखूंगा ये ऑटोमेटिक देखिए ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया, दोबारा भी सेम वही वेट बताया 87.4, यानी 87 kg 400 ग्राम इसमें बता रहा है, यानी 87 kg 400 ग्राम मेरा वेट है, और ये हर बार करेक्ट बता रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी अपने वेट को एक्यूरेट नाप सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वेट मशीन है क्योंकि हर बार आपके वेट को करेक्ट बताएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ वेट बताए और दूसरी बार कुछ वेट बताए। जो मेरा पहले वाला वेट मशीन था उसमें यही समस्या था कि किसी बार 85 बताता था, तो किसी बार 87, तो किसी बार 90। इसी की वजह से मैंने इस वेट मशीन को परचेज किया है। और हर घर में ये वेट मशीन रहना बहुत जरूरी है ताकि हर व्यक्ति अपने वेट को कंट्रोल में रख सके। दोस्तों ये वेट मशीन एक ऑटोमेटिक वेट मशीन है, जैसे ही आप इस वेट मशीन पे कोई भी वेट रखते हैं तो 3 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और जब आप इस वेट मशीन से वेट को हटा लेंगे
तो ये वेट मशीन ऑटोमेटिक 8 सेकेंड के बाद ही ऑफ हो जाएगा। दोस्तों एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वेट मशीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेट मशीन है। हाँ ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा इसको सावधानी से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी जो है ग्लास से बनी हुई है, इसलिए आपको थोड़ा इसको सावधानी से यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल वेट रखने से ही ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो ग्लास है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वेट रखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ये हाइट से गिरे ना। जब ये वेट मशीन कुछ हाइट से गिरेगा तभी जाके ये टूटेगा, नहीं तो इस पर वेट रखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर आप 180 केजी तक वेट रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों यदि आप इस डिजिटल वेट मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।